पवन सिंह के बर्थडे के बाद अक्षरा सिंह का कुछ ऐसा पोस्ट आया है कि पवन सिंह के फैंस कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे विवाद उत्पन्न हो सकता है। पूरा वीडियो देखिए आखिर क्या है पूरा मामला, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को भी आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें कि भोजपुरी की ऐसी ताज़ा तरीन न्यूज़ आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं खबर क्या है। पवन सिंह का बर्थडे काफ़ी धूमधाम से मना, उसके बाद से ज्योति सिंह का बर्थडे आज है, तो हम चाहेंगे कि आप ज्योति सिंह को भी उनके जन्मदिन की बधाई दें। चलिए इसी बीच आपसे बात करते हैं कि आखिर अक्षरा सिंह ने क्या पोस्ट कर दिया। अक्षरा सिंह का एक पोस्ट आया है जिसमें लिखा था कि मेरे लिए मेरे कोई कुछ नहीं है, जैसे कि उन्होंने इंग्लिश में लिखा था कि ऑल आर नॉट नथिंग। तो हो सकता है कि अक्षरा सिंह सबको सब बताना चाहती हो, क्योंकि भोजपुरी के सभी सुपरस्टार पवन सिंह के बर्थडे में पहुंचे थे, और आपको बता दूं कि रितेश पांडे भी पहुंचे थे, खेसारी लाल यादव पवन सिंह के घर पे पहुंचे थे। कुछ लोगों का मानना यह है कि खेसारी लाल इसलिए पवन सिंह के घर गए थे क्योंकि वह रितेश पांडे से आमना सामना नहीं करना चाहते थे। अब क्या है सच्चाई यह हमें नहीं पता है, जहाँ तक लोग बातें करें। इसी बीच मुझे एक कमेंट आया कि अक्षरा सिंह ने क्या पोस्ट कर दिया, तो मुझे वह वीडियो बनाना था, वही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सोशल मीडिया पे अगर हम बात करें तो पवन सिंह के अलावा बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जिनके साथ कंट्रोवर्सी होती है, और अक्षरा सिंह के एक पोस्ट से लोग उस बात को पकड़ के बैठे हैं। आपको बता दूं कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के बर्थडे में भी कुछ विशेष कुछ नहीं कहा था, और एक समय था कि जो बर्थडे को सबसे खास अक्षरा सिंह ही बनाती थी। अब ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि अक्षरा सिंह इसके बाद क्या एक्शन लेते, क्योंकि उनके पोस्ट पर पवन सिंह के बहुत सारे फैन क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ही हमें और न्यूज़ मिलती है हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें भोजपुरी के ऐसे ही ताज़ा तरीन न्यूज़ पाने के लिए। और एक बात, ज्योति ज्योति भाभी को आप भी बर्थडे